हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है एक और नई वैकेंसी के साथ जो कि आ रखी यहाँ पे एलएनटी एनर्जी हाइड्रोकार्बन की तरफ से। फ्रेशर के लिए बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, फ्रेशर ही एलिजिबल है। और इसका अपडेट यूट्यूब पे सबसे पहले दे रहा हूँ, इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर देना, हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। अब बात करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। तो दो टाइप की पोजीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा यहाँ पे आपको डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब रहेगा, सैलरी आपका बढ़िया रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको ब्रांचेज बता देता हूँ कि कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन्होंने ब्रांच को मेंशन कर रखा है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है एलएनटी एनर्जी हाइड्रोकार्बन की तरफ से वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ऑटोमोबाइल ब्रांच एलिजिबल है, केमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं। उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं, मैकेट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं, मेटलर्जी वाले अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे माइनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी ब्रांचेज आपको देखने को मिलेगी। सैलरी भी मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे सैलरी आपका अलग अलग रहेगा। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का जो पोजीशन है उसके अंदर आप ऑन रोल के बेस पे काम करेंगे। अगर आप इस पोजीशन के लिए सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आपका सैलरी 42,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। और अगर आपका पोजीशन यहाँ पे मिलता है आपको डीटी का, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का, तो यहाँ पे आपका सैलरी 35,000 रुपये रहेगा। लेकिन ये जो वैकेंसी रहेगी डीटी की, वो आपका 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा। ऑन रोल के बेस पे काम करेंगे, लेकिन 4 साल तक आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जेईटी के पोजीशन के लिए सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आप परमानेंट बेस पे काम करेंगे स्टार्टिंग के फर्स्ट डे से। तो यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में बता दी है। तो अप्लाई करने का प्रोसेस देख लेते हैं, तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अप्लाई करके। उससे पहले वीडियो के लाइक के टारगेट को कंप्लीट करवा देना है, 1200 प्लस का टारगेट रहेगा। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, जैसे कि आपने कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा बीबीटेक कर रखा है, कौन से ट्रेड में आईटी कर रखा है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उसी से रिलेवेंट आपको प्रोवाइड करवा सकूं। और अगर आप उससे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और आप जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं आप उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे लिंक आपको एक ही जगह देखने को मिल जाएंगे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ यहाँ पे इनके एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है, व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है। तो अप्लाई करने से पहले वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा, उसके बाद खुद ट्राई करिएगा अप्लाई करने का। डेफिनेटली आप खुद अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो यहाँ पर जैसे आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वैकेंसी रहेगी एलएनटी एनर्जी हाइड्रोकार्बन की तरफ से और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलएनटी एनर्जी हाइड्रोकार्बन यहाँ पे हायरिंग कर रही है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का। देखिए यहाँ पे दो टाइप की वैकेंसी रहती है जनरली। पहला तो आपका रहता है डीटी का, जो उन्होंने मेंशन कर रखा है। दूसरा आपका रहता है यहाँ पे जेईटी का, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का। लेकिन दोनों के अंदर इतना सा फर्क होता है कि जो जेईटी का यहाँ पे सैलरी रहता है वो आपका लगभग 45,000 रुपये के अप्रॉक्स रहता है। और ये आपका ऑनरोल के बेस पे जॉब रहेगा, मतलब कि आप इसके अंदर ऑनरोल पे काम करेंगे, परमानेंट बेस पे काम करेंगे, ठीक है। और डीटी का जो सैलरी रहता है मैक्सिमम इसका सैलरी 35,000 रुपये के अप्रॉक्स रहता है।
और यहाँ पे आपका 4 साल का स्टार्टिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, जिसको आपको कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ेगा। देन फिर यहाँ पे 4 साल के बाद आपका परमानेंट बेस का जॉब आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर परमानेंट बेस का जॉब नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अप्लीकेशन फॉर्म को आपको एक ही सबमिट करना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्म नहीं है। इसी फॉर्म के थ्रू आपको DET या फिर JET में से एक पोजीशन मिल जाएगी। सैलरी मैंने आपको बता दिया, ऑल ओवर इंडिया की यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए यहाँ पे इन्होंने पहला ये मेंशन कर रखा है कि 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब कि 6 सेमेस्टर उसमें होने चाहिए, फुल टाइम कोर्स आपका होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, 10वीं की बात कर रखा है, 12वीं की बात कर रखा है, एलिजिबल है, ठीक है। और इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनका डिप्लोमा 30 जून 2023 से पहले या उससे पहले हो चुका है, या फिर इस डेट पे आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा इन साइंस आर्ट्स ETC आर नॉट यहाँ पे एलिजिबल। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा कर रखा है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सैंडविच कोर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखिएगा। एग्रीगेट आपके 60% होने चाहिए, मैक्सिमम आपकी 2 बैकलॉग हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे आपका जन्म ध्यान रखिएगा, इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मैटर करता है। आपका जन्म 1/7/2001 से लेके 30/6/2005 के बीच में होना चाहिए, और इन डेट के ऊपर भी आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बर्थडे भी आता है आपका इन डेट के ऊपर तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपका बैकलॉग लगा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। बेसिक डिटेल अगर हम फिल करें, सबसे पहले तो यहाँ पे आता है कि आपका फ़ोटो, बेसिक डिटेल में आपका प्रोफाइल फ़ोटो आता है तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो फ़ोटो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आपके कर रहे हैं यहाँ पे JPG की फॉर्मेट में, JPEG की फॉर्मेट में और PNG की फॉर्मेट में फ़ोटो एक्सेप्ट होगा। और यहाँ पे मैक्सिमम 5KB हो सकता है, मिनिमम 5KB हो सकता है, मैक्सिमम आपका 200 KB तक फ़ोटो आपका हो सकता है। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका स्टेट, तो यहाँ पे आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करिएगा, डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन फिर आता है यहाँ पे आपका नेम, तो यहाँ पे जो नाम है वो आपके आधार कार्ड के नाम के अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालना है, तो ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के सवाल होता है कि आधार कार्ड के नंबर क्यों ले रहे हैं, तो मेरे भाई वो वेरिफिकेशन के लिए नंबर ले रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप खुद ऊपर देख सकते हैं कि LTE फॉर्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LNT की ऑफिशियली वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा। नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा OTP का, उसमें फिल कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपकी पर्सनल ईमेल आईडी होगी, तो उसको डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। नीचे OTP का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे OTP डाल देना है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका जेंडर, तो आप अपने जेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका मैच होना चाहिए, जो कि ऊपर मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका एजुकेशन डिटेल, तो यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन डिटेल के बारे में डाल सकते हैं, जैसे कि 10वीं में कितने परसेंटेज है, कब आपका 10वीं यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कब आपका ख़त्म हुआ था, वो आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ होगा, तो आप उसको देख के डाल दीजिएगा। अगर आपने 12वीं कर रखा है तो उसका डिटेल डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपका क्या है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका डिसिप्लिन कौन सा है, तो ब्रांचेज मैंने आपको शुरुआत में बता दी, आपकी जो भी ब्रांच है उसको आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिप्लोमा सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे डिप्लोमा आ चुका है, तो आपका डिप्लोमा कौन से कॉलेज से किया है, ठीक है, कॉलेज का नाम क्या है, कॉलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी है। आप ये डिटेल को फिल कर दीजिएगा, कितने परसेंटेज आपके बने हैं, डिप्लोमा कब स्टार्ट हुआ था, कब ख़त्म हुआ था, कॉलेज टाइप कौन सा है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है। उसके बाद आता है यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी, तो यहाँ पे आपने आपका मोड ऑफ स्टडी क्या था, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस, तो ध्यान रखिएगा फुल टाइम ही होना चाहिए। अगर आपका पार्ट टाइम है या डिस्टेंस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, फुल टाइम वाले एलिजिबल रहेंगे। देन भी रहता है यहाँ पे कि आपका बैकलॉग लगा है कि नहीं लगा, उसको आप डाल सकते हैं। नंबर ऑफ बैकलॉग क्या था उसको आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है जैसे कि कितना बैकलॉग है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे आपका बैकलॉग नहीं है तो 0 फिल कर सकते हैं। देन फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रिज्यूम का, तो फाइल नेम यहाँ पे दे रखा है, साइज दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस पे पूरे पे, तो यहाँ पे आपका जो आपका ड्राइव ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप अपने फॉर्मेट को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सेप्टेड फॉर्मेट है वो आपका PDF का रहेगा, डॉक्स का रहेगा,
और यहाँ पे साइज रहेगा 10 KB मिनिमम, मैक्सिमम रहेगा 2 MB तक। तो 2 MB तक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपने रिज्यूम को। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है डिक्लेरेशन फॉर्म को यहाँ पे टिक कर देना है, जो चेक मार्क यहाँ पे दे रखे हैं तीनों को। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके फाइनली आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है LNT हाइड्रोकार्बन का, जो कि DET और GET की पोस्ट पे निकला है, उस पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।